बड़ी जानकारी मिल रही है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर, जहां चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल। जी हां, नशे के खिलाफ कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम आवास का घेराव करके प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, और प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेटिंग तोड़ने की भी कोशिश की है। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पंजाब से जुड़ी, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल लगातार कैप्टन सरकार के खिलाफ अब प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। अभी बीते दिनों आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली के मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार को घेरा था। अब नशे के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा पंजाब में किस तरीके से कैप्टन सरकार को घेरती हुई नजर आ रही, इन तस्वीरों के जरिए देखिए, जहां पर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल इन प्रदर्शनकारियों पर किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस ने किया है। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, सीएम आवास का घेराव करके प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुलवीर, अभी कुछ दिन पहले आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर थे, अब बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर हैं। किस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजाब में इस वक्त? देखिए पूजा, सीएम आवास तक इनको पहुंचने नहीं दिया गया, क्योंकि सीएम आवास का घेराव करने का आज कार्यक्रम था युवा मोर्चा बीजेपी पंजाब का, लेकिन ये सेक्टर 17 के पास ही इनको पुलिस ने रोक लिया, और वहीं वहां से आगे बढ़ने की इन्होंने जब कोशिश की तो पुलिस को बलपूर्वक इनको रोकना पड़ा, जिसके लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। जी कुलवीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पूजा जी। कुलवीर, मैं एक बार फिर से आपसे क्योंकि क्लियर पूछना चाहूंगी, मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ कि जो प्रदर्शन चल रहा है क्या ये सीएम आवास के बाहर चल रहा है या फिर अभी सीएम आवास तक नहीं पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी? देखिए पंजाब बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यक्रम था पूजा आज सीएम आवास का घेराव करने का, और सीएम आवास पहुंचने के से पहले ये युवा मोर्चा के सदस्य जो है सेक्टर 17 में इकट्ठे हुए, जहां से इन्होंने पैदल ही मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करना था, लेकिन सेक्टर 17 के पास ही इनको पुलिस ने रोक लिया। यानी सीएम आवास का घेराव अभी नहीं कर पाए? जी, मुख्यमंत्री आवास तक इनको पहुंचने नहीं दिया गया, और वहीं पे चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग करके इनको रोका, और जब इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो बलपूर्वक जो वाटर कैनन का प्रयोग चंडीगढ़ पुलिस को करना पड़ा। ठीक है कुलवीर, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी जानकारी